हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 गणित में एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न में आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 ये करेंगे। इसमें एक दी हुई संख्या जैसे √5, √2, √3 इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय संख्या के रूप में दर्शाना या इससे संबंधित अन्य जैसे 1/√2 या 2+√3 इस तरह के प्रश्नों को हल करना इस प्रश्नावली में दिखाया गया है। इस पर आधारित ये प्रश्न हैं, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो ये अभ्यास में इसको आइए करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इस प्रश्नावली का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिसको अपरिमेय संख्या दिखाना है, सबसे पहले हम उसी को मानते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जिसको अपरिमेय दिखाना है, सबसे पहले हम उसको क्या मानते हैं, एक परिमेय संख्या मानते हैं। आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 को हमने एक परिमेय संख्या लिया है, इसलिए √5 को हम p/q के रूप में लिखेंगे, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू बी 0, q का मान शून्य के बराबर नहीं है। और यह भी हम जानते हैं कि इस p और q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब कि p और q ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम ऐसे लिख देंगे √5 ये बराबर p/q, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू बी 0, p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। p तथा q ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p = √5 × q। वर्ग कर दिया जाए तो वर्ग करने पर क्या होगा, वर्ग करने पर इनके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं, हमें मिलेगा p² ये = 5q². तो p = ये 5q² जो आया, ये क्या बता रहा है कि p² जो है ये 5 से डिविजिबल है। ये क्या है कि p² ये 5 से विभाज्य है, या कह सकते हैं कि 5 ये p² को विभाजित करता है। आप देखिए, इसको हम चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि p² / 5 ये q² है। इसका मतलब कि p² 5 से विभाज्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे, अतः 5 p² को विभाजित करता है। हम परिमेय जानते हैं कि अगर वर्ग ये 5 से विभाज्य हो रहा है तो उसका मूल मतलब p यह भी 5 से विभाज्य होगा। तो चूंकि p² को विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा, ये इम्प्लाई करता है कि 5 यह p को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, हम लोगों ने क्या लिया था कि p तथा q ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि 5 जो है ये p को विभाजित कर रहा है। अब 5 अगर p को विभाजित कर रहा है तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि p = 5k, ऐसे हमने ले लिया कि p = 5k।
जैसे यहाँ हुआ कि पी स्क्वायर बाई फाइव इक्वल्स टू बी क्यू स्क्वायर, तो पी बाई फाइव ये के ये विभाजित कर रहा है। अब इस वैल्यू को हम पी स्क्वायर इक्वल्स टू वी फाइव क्यू स्क्वायर में पुट कर देते हैं। पी इक्वल्स टू वी फाइव के का मान पी स्क्वायर इक्वल्स टू वी फाइव क्यू स्क्वायर में रखने पर, इसे रख दीजिए तो p की जगह पे हम कितना लिख दें, 5k, 5k का हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये इक्वल्स टू भी हो गया 5q स्क्वायर। ये इम्प्लाई करता है 5 का वर्ग हो गया आपका 25, k स्क्वायर हो गया, और ये हुआ हमारा 5q स्क्वायर। ये देखिए 5 25 25 क्या आ गया, implies that 5k square ये equals to be q square, 5k square equals to be q square। इसका मतलब क्या हुआ कि q square ये 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम लिखेंगे अतः 5 q square को विभाजित करता है, पाँच ये क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ये इम्प्लाइज क्या करता है, ये परिमेय हम लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ये क्यू को भी विभाजित करेगा, अब यहाँ हम ये देखते हैं कि यही 5 जो है ये पी को भी विभाजित कर रहा है, ये 5 जो है ये क्यू को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 5 जो है ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, पी और क्यू का 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, अतः 5 पी तथा क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब 5 जो है जब P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, और हम लोगों ने जो यहाँ मान रखा है कि P तथा Q का कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता एक के अलावा, यह सब अभाज्य संख्याएं हैं जहाँ P और Q ये पूर्णांक हैं, लेकिन यहाँ 5 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जा रहा है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो हमने ये माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये मानना हमारा गलत हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यह एक विरोधाभास हो गया। अंडर रूट 5 कह रहे हैं, 5 P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। किस चीज का विरोधाभास है, क्योंकि जब हम परिमेय संख्या ले रहे हैं तो P और Q ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 5 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है, यह विरोधाभास है, अतः हमारा यह मानना गलत है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जो हम लोगों ने ये माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये क्या हो गया, हमारा मानना ये गलत हो गया, तो ये विरोधाभास के कारण हमारा यह मानना गलत है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः लास्ट में हम लिखेंगे अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम किसी भी रूट संख्या को जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल ले रहे हैं,
और वो एक जैसे अंडर रूट 2 हुआ, अंडर रूट 3 हुआ, अंडर रूट 5 हुआ, अंडर रूट 7 हुआ, इन सबको हम इस तरह से हल करते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न होगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिखाना है? 3 + 2√5, ये इसे हमको दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जिसे भी अपरिमेय दिखाना है सबसे पहले हम उसे परिमेय मानते हैं, फिर परिमेय की परिभाषा लगा देते हैं। 3 + 2√5 ये हम p/q के रूप में लिखेंगे, और जहाँ q इज़ नॉट इक्वल्स टू बी 0 हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, देखिए 2√5 इसे हम लिखेंगे p/q − 3, ये इम्प्लाई करते हैं रूट फाइव ये इक्वल टू से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो हो गया हमारा p/2q और −3/2। अब यहाँ ये देखते हैं राइट हैंड साइड में आपका p/2q और 3/2 ये परिमेय संख्या है। क्यों? p, q, 3 और 2 ये सब क्या हैं? एक पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। अतः p/2q तथा 3/2 परिमेय संख्याएं हैं। तो राइट साइड हमारा परिमेय संख्या हो गया और लेफ्ट साइड हमारा अंडर रूट फाइव ये अपरिमेय दिख रहा है। तो जब राइट साइड हमारा सब परिमेय होगा, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड ये जो पूरा है एक, या आप लिख सकते हैं इतना कि p/2q तथा 3/2 ये परिमेय संख्या है, और इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी विरोधाभास हो गया, इसका मतलब जो हमने माना है ये गलत हो गया, ठीक है। अतः तो इसके बाद हम सीधे ही लिख देते हैं कि जब हमारा विरोधाभास हो गया कि राइट साइड आपका परिमेय आ रहा है, लेफ्ट साइड आपका अपरिमेय आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ आप सीधे लिख सकते हैं कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, आपका दोनों साइड या तो परिमेय होगा या दोनों ही अपरिमेय होगा। तो इस तरह से हम ये दिखाएंगे कि 3 + 2√5 यह एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यह भी उसी तरह से आपको सिद्ध करना है। इसमें पहला आपको दिया गया है
पहला है हमारा 1/√2, इसको दिखाना है। तो यहाँ भी आप ले लीजिए कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख देंगे, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू बी 0। pq हमारा पूर्णांक है। ये इम्प्लाइज कर रहा है अंश को हर और हर को अंश में बदल दीजिए तो √2 ये इक्वल हो गया आपका q/p। q और p ये दोनों पूर्णांक हैं तो आप लिखिए p तथा q पूर्णांक हैं, अतः q/p एक परिमेय संख्या है। परंतु आपका p/q तो राइट साइड वाला ये परिमेय संख्या हो गया, परंतु आपका √2 क्या है? परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना यह गलत हो गया, क्योंकि यह साइड हमारा परिमेय आ रहा है और √2 यह अपरिमेय आ रहा है, इसलिए 1/√2 यह मानना हमारा गलत हो गया। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह मानना गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही हमारा है 7√5। 7√5 को भी हम बिल्कुल इसी तरह से ही दिखाएंगे। 7√5 को हम सबसे पहले एक परिमेय संख्या मानेंगे। देखिए इसी में ही आप परिवर्तन कर सकते हैं। सेकेंड वाला है 7√5 को एक अपरिमेय संख्या दिखानी है। ये दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम मानेंगे, क्या मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल एकदम सेम उसी तरह से सवाल करना है। अब क्या करना है, 7√5 इसको हम p/q मान लेते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू बी 0। अब यहाँ हम लिख देंगे कि √5 ये इक्वल हो गया q। अब यहाँ p/q है तो p/q ही रहेगा, तो ये तो उल्टा करना नहीं है, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, 7 नीचे चला आया तो p/7q ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ p q और 7, तो यहाँ आगे हम 7 भी लिख दे रहे हैं। 7 p तथा q ये पूर्णांक हैं, इसलिए आपका क्या हो गया, p/7q ये एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √5, यहाँ आपको √5 दिखाना है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये जो आपका 7/7√5 है, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है, यह मानना गलत है, इसलिए आपका क्या हो गया, 7√5 ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही आसान है। ऐसे ही अगला हमारा है 6+√2। तो 6+√2 को देखते हैं। 6+√2 एक अपरिमेय संख्या दिखानी है। तो यहाँ हम मानते हैं
माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले माना हमने 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 प्लस रूट 2 इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, और जहां क्यू इज नॉट इक्वल्स टू बी जीरो हो गया। अब रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज रूट टू इक्वल्स टू बी पी बाई क्यू माइनस 6। अब आप देखिए यहाँ जो है 6 पी तथा क्यू ये पूर्णांक हैं, अतः पी बाई क्यू तथा 6 ये परिमेय संख्याएं हैं। तो आपका राइट साइड ये परिमेय संख्या हो गया, परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका राइट साइड ये परिमेय हो गया और लेफ्ट साइड आपका अपरिमेय हो गया, अतः हमारा यह मानना गलत है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं, और अब अगले टर्न पे हम आपको प्रश्नावली 1.4 इसका करके बताएंगे। धन्यवाद।